तो हे गाइस, कैसे हो आप सब एंड वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग न्यूज वीडियो। आज है मेरे पास काफी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स। पहली अपडेट निकल कर आती है डेस्ट्रो की तरफ से। तो कल एक इंटरव्यू में डेस्ट्रो से एक क्वेश्चन पूछा कि आपका इंडिया में फेवरेट प्लेयर कौन है एंड आपको क्या लगता है कि इंडिया में BGMI का बेस्ट प्लेयर कौन है, जिस पर डेस्ट्रो ने ये कहा। इंडियन प्लेयर्स की बात करो, अगर मैं इंडियन प्लेयर्स में किसका गेम पसंद है आपके अलावा, आपको और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंस्पायर करते होंगे या जिससे सीखते होंगे, कौन से ऐसे प्लेयर्स जिनका गेम पसंद है बहुत ज्यादा? एडमायर तो यार सबको ही करता हूँ मैं, जितने भी डॉक्टर हैं, बिकॉज नॉट जस्ट एज अ प्लेयर, बिकॉज सबको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, सो आई नो लाइक व्हाट दे गोइंग थ्रू वहाँ पहुँचने के लिए। सबके लिए रिस्पेक्ट ही है, बट इफ आई हैव टू से आई वुड से जोनाथन यार, ही हैज लाइक ही इज द बेस्ट, आई वुड से देयर इज नो डिबेट, जैसे मतलब वो खेलता है, सो ही इज द बेस्ट फॉर मी। उसके अलावा गॉब्लिन इज देयर, निंजा इज देयर, दीज गाइज आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। स्काउट भी मतलब ही इज like one of the best, abhi he is not in his prime when, but when he was in his prime he was unstoppable। भाई जोनाथन के बारे में बहुत सारे लोगों से सुना है, मैंने काफी पढ़ा भी है, उनके गेम को मैंने देखा भी है, क्या लगता है आपको कि क्या क्वालिटीज है जोनाथन के अंदर, जो एक अनस्टॉपेबल चैंपियन वाली जो क्वालिटी होती है, क्या लगता है देख के उनके गेम में ऐसी कौन सी क्वालिटी है? उसका कॉन्फिडेंस बहुत नेक्स्ट लेवल है, उसका कॉन्फिडेंस ऐसा है लाइक इफ ही इज 1v4 सिचुएशन भी है किसी भी टीम के अगेंस्ट, ही इज कॉन्फिडेंट वो निकाल लेगा, सो दैट इज द थिंग दैट सेट्स हिम अपार्ट फ्रॉम उसके बाद उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि स्काउट की टैलेंट एंड क्वालिटीज क्या हैं एंड कैसे स्काउट ने आपको पास में हेल्प करी, जिस पर उन्होंने ये कहा। Also from scout as well, scout was there, उसने बहुत हमें मतलब हेल्प किया, उस टीम के अंदर गाइड किया लाइक स्पोर्ट्स के बारे में, ये कम्युनिटी के बारे में, मतलब वही उसका एटीट्यूड चीजों को लेके मतलब काफी डिफरेंट है लोगों से। बहुत लोगों को लगता होगा दैट ही इज लाइक काफी रेज करता है, टॉक्सिक है, बट ऐसा नहीं है। व्हेन यू टॉक टू हिम यू विल नो ही इज वेरी मैच्योर, मतलब काफी समझदार बंदा है वो। सो उसका एटीट्यूड आई वुड से किसी को मतलब अगर चाहिए लाइफ में, सो उसके एटीट्यूड होना चाहिए। और गाइस, नेक्स्ट दो तीन अपडेट निकल कर आती है BGMI गेम के रिलेटेड। तो कल क्राफ्टन इंडिया के हेड ऑफ कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट मिस्टर अनुज टंडन ने कुछ ट्वीट्स किए थे, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो एंड मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं। तो बेसिकली उन्होंने यही बोला था कि नेक्स्ट वीक उनका क्राफ्टन इंडिया में एज अ हेड ऑफ कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट के रूप में लास्ट वीक होने वाला है एंड इसी के साथ में उन्होंने सभी टीममेट्स एंड CEO ऑफ PUBG मोबाइल इंडिया मिस्टर शीन का भी थैंक यू किया था। एंड गाइस, इसके बाद काफी सारे लोग एंड इवन कुछ पेजेस भी ये चीज को शेयर करने लगे, जिसमें से एक ट्वीट आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, जहां पर लिखा गया कि BGMI की वापस आने की होप धीरे धीरे खत्म हो रही है एंड गेम को बैन हुए हुए 4 मंथ हो गए हैं, उसके बाद इस मूवमेंट के ऊपर कोई भी अपडेट नहीं है एंड इवन क्राफ्टन इंडिया के हेड अनुज टंडन भी नेक्स्ट मंथ अपनी पोजीशन से स्टेप डाउन कर रहे हैं। और गाइस, वीडियो में आगे पढ़े उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मिस्टर अनुज टंडन क्राफ्टन इंडिया के नहीं बल्कि क्राफ्टन इंडिया में कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट के हेड थे। एंड बाद में ये ट्वीट को शेयर करते हुए शिवानंदी ने इस पर ये कहा, समटाइम्स वी शुड बी पेशेंट देन मिसलीडिंग और लूजिंग कॉन्फिडेंस, रिमेंबर वन थिंग, BGMI विल कम बैक, सेव दिस ट्वीट, इट इज व्हाट इट इज। एंड इसके बाद वापस एक गेम ट्यूब ने इस पर रिप्लाई दिया था, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। और गाइस, नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है स्काउट भाई की तरफ से। तो अपने सभी BGMI फेलो प्लेयर्स एंड जो प्लेयर्स फ्यूचर में किसी भी टीम की तरफ से BGMI को प्रोफेशनली खेलना चाहते हैं, उनको एडवाइस देते हुए स्काउट भाई ने ये कहा, वही बोलूंगा यार, जितने भी लोग अभी ऐसा उम्मीद लेके बैठे कि भाई अगले महीने गेम आ रहा है, उसके बाद महीने में गेम आ रहा है, तो प्लीज़ ऐसे उम्मीद के ऊपर अपना करियर की माँ बहन मत करो, अपना पढ़ाई साइड बाय साइड कंटिन्यू करो। मैंने TX के लौंडे को भी सेम चीज़ इन्फॉर्म किया और बोला है कि भाई अपने साथ अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करो, अपने जो भी तुम ब्रांच हो कंप्लीट करो, साथ में गेम आ गया तो कंटिन्यू कर देना। वो ऐसा मैं नहीं चाहता कि मैं किसको ऐसा होप देकर रखूँ कि भाई गेम आ रहा है तुम ग्राइंड करते रहो, पढ़ाई मत करो, और गेम आए एक साल बाद और लौंडे के एल लग गए हो। अभी जो लोग 12th में होंगे या फिर कॉलेज में जस्ट गए होंगे, उन लोग क्या होप कर रहे हैं कि भाई गेम आएगा हम ग्राइंड करेंगे उसमें करियर बना लेंगे, राइट? बहुत सिंपल फंडा है। इमेजिन करो गेम आता है एक साल बाद, तो वो एक साल का लॉस कौन झेलेगा? तुम्हारे घर वाले तुमको और ट्रस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तुम अपना एक साल बर्बाद करोगे। ऐसा तो नहीं है ना कि तुम एक साल ग्राइंड करके अगले साल वर्ल्ड चैंपियन बन गया तुम खा जाओगे दुनिया को, नहीं होता भाई ऐसा। और गाइस, नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है केतन K18 पटेल की तरफ से। तो उनके यूट्यूब चैनल के साथ कुछ गूगल एडसेंस की प्रॉब्लम चल रही थी, जिसको काफी टाइम हो गया था एंड पास कुछ दिनों से वो अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे एंड ये प्रोसेस में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था, जिसके रिलेटेड उन्होंने ये ट्वीट भी किया था, गूगल शुड हायर मोर एम्प्लॉयज बिकॉज करंट वंस आर स्लीपिंग। बट गाइस, फाइनली उन्होंने आज ये मैटर के ऊपर अपडेट देते हुए अपनी स्टोरी में ये कहा, व्लॉग टुमारो 10 AM फाइनली अप्रूवल मिला है व्लॉग का, तो बाय द टाइम यूर
आर वॉचिंग दिस वीडियो उनका व्लॉग पहले ही आउट हो चुका होगा। और गाइस नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है हस्तर की तरफ से। तो हस्तर गए थे गुड लक बूट कैंप एंड वहां से उन्होंने अपने व्लॉग में ये क्लिप को शेयर किया जिसका छोटा सा पार्ट मैं आपको यहाँ पर प्ले करके दिखा देता हूँ। 4 बजे अभी भाई, 1.5 घंटे बाद। मतलब तुम लोग अभी निकल रहे हो? हाँ। अरे और ये महान शख्स से मिली है, सबसे पहले तो मैं इसको थैंक्स बोलूंगा कि इसने इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी दी मेरे को यहाँ पे गॉड लाइक के बूट कैंप पे। ये वादा कर रहा है हमको कि जल्दी मिलेगा। कहाँ पे? कहीं पे तो मिलूंगा यार। नहीं, हम जा रहे हैं वहाँ पे शायद। नहीं हाँ शायद। हाँ देखते। गाइस नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है ई स्पोर्ट पबजी मोबाइल की तरफ से। तो उन्होंने PMGC 2022 लीग क्वालिफिकेशंस में जो टीम पार्टिसिपेट करने वाली हैं उनको शेयर करते हुए इंस्टाग्राम पर डाली ये पोस्ट जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें कि हम सभी रीजन्स एंड कंट्रीज को देख सकते हैं एंड दो स्लॉट जो कि पहले वैकेंट रखे गए थे स्टिल अभी तक भी पबजी मोबाइल ने उसमें लिखा हुआ है टू बी अनाउंस, जो कि पहले ये बोला जा रहा था कि ये दोनों स्लॉट इंडिया को मिलने वाले हैं। बट गाइस हमारी कंट्री में तो गेम ही नहीं है, तो लेट्स सी कि ये दो स्लॉट पर हमको कौन सी दो टीम देखने को मिलने वाली है। वैसे अगर PUBG मोबाइल ने ये सबको फैंस पर छोड़ दिया तो भाई आप इंडिया से कौन सी दो टीम को वोट करने वाले हो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। और गाइस नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है कॉल ऑफ ड्यूटी के रिलेटेड, जिसके अंदर हमको कुछ फेमस फुटबॉलर्स के भी कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं एंड उसके रिलेटेड एक पोस्ट को आप अब स्क्रीन पर देख सकते हो। नेमार, मेसी एंड पोग्बा आर एक्सपेक्टेड टू अराइव इन कॉल ऑफ ड्यूटी सम टाइम अराउंड द फीफा वर्ल्ड कप। जैसा कि आपको पता है कि फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक। तो बस गाइस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर।